Hello class 5th, I'm your class teacher Aarti Sharma. In today's video, we guys are going to take our chapter Movement of the Earth further. हम अपने Movement of the Earth chapter को आगे बढ़ाएंगे. हमारा chapter का ये third part है. So, इस video में हम देखेंगे आगे हमें Movement of Earth के बारे में क्या सीखने को मिलता है. Right, अभी हमने पढ़ा था कि दिन और रात कैसे होते हैं और seasons कैसे change होते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि जो अर्थ के प्लेसेस कहाँ कहाँ पर होते हैं अपने चक्कर में. राइट, सो आई एम गोना स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम हियर. इट इज समर इन दिस हेमिस्फीयर. इस हेमिस्फीयर में समर होगा, ठीक है. इस हेमिस्फीयर में गर्मी होगी. द डेज आर लॉन्गर, दिन लंबे होंगे. देन द नाइट, नाइट से. ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी समय में. द साउथ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन. तो कहता है कि जो टिल्टेड होता है अवे, टिल्टेड झुका होना, जो साउथ पोल है टिल्टेड अवे, सूरज से दूर झुका होगा, ठीक है. अवे फ्रॉम द सन, द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट लेस सनलाइट. यहाँ पे सूरज की रोशनी कम पड़ेगी. देयरफॉर इट इज विंटर, इसीलिए यहाँ पे क्या होगी, सर्दी होगी. इन दिस हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर में. द डे आर शॉर्टर देन द नाइट, जो दिन है नाइट से क्या होंगे, छोटे होंगे. हाँ जी, और फैक्ट वाइज भी क्लियर कर लेते हैं. द अर्थ एक्चुअली टेक्स 365 इन 1 into 4 डेज टू गो अराउंड द सन वंस, बट अ ईयर हैज़ 365 डेज. सो एवरी 4 ईयर्स वी एडेड डे वन फोर्थ इक्वल टू वन. 2 months ऑफ फरवरी, दैट ईयर इज़ कॉल्ड लीप ईयर एंड हैज़ 366 डे. तो मीन्स कि वो कहता है कि जो धरती है ना, 365 1/4 दिन लेती है अपने सर्कल को पूरा करने में सूरज के गिर्द. तो हर साल 1/4 दिन बढ़ जाते हैं. तो 1/4 दिन 4 बार बढ़े तो एक दिन पूरा हो गया. तो इसीलिए फरवरी 29 की हो जाती है इंस्टेड ऑफ 365 डे की बजाय 366 दिन की हो जाती है. हाँ जी, इस पिक्चर से हम लीप ईयर को क्लियर करते हैं. देखिए, ये धरती है, उसको 365 1/4 दिन लगते हैं सूरज का एक सर्कल पूरा करने में, ठीक है. एक 1/4 का मतलब होगा कि एक दिन जो होता है ना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं. हमने एक दिन में 24 घंटे यहाँ पे लिख दिए. 24 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएंगे, ठीक है. तो मीन्स कि जो हमारी धरती है 365 दिन और 6 घंटों में अपना एक सर्कल सूरज की चारों तरफ पूरा करती है. तो यहाँ से देखते हैं, ये देखिए. तो फर्स्ट ईयर मैंने यहाँ पे लिया हुआ कि फर्स्ट ईयर में क्या हुआ कि धरती ने 365 दिन और 6 घंटों में एक सर्कल पूरा किया. मीन्स कि हमारे पास 6 घंटे आ गए यहाँ पे. तो फरवरी 28 डे का ही रहेगा. तो ईयर फर्स्ट में जो पहला साल है उसमें 365 दिन होंगे. तो ईयर सेकेंड में की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे 365 दिन प्लस 6 घंटे इस साल के हो गए. 6 घंटे पिछले साल के हमने ऐड कर लिए इसमें. 6 और 6 12 जो और हो गए, 12 घंटे हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए. तो फरवरी जो हमारा 28 डेज का ही रहेगा. तो सेकंड ईयर भी हमारा 365 दिन का ही होगा. तो अब थर्ड ईयर्स की बात कर लें. 365 प्लस 6 हो गए इसके. 365 दिन और 6 घंटों में इसने ये समय पूरा किया, चक्कर पूरा किया. मीन्स कि 6 हमने पहले साल के लगा लिए, 6 हमने दूसरे साल के ऐड कर लिए, 6 हमने इस साल के ऐड कर लिए. तो हमारे पास 18 घंटे हो गए. तो फरवरी हमारा 28 डेज का ही रहेगा. जो थर्ड ईयर होगा वो भी हमारा 365 दिन का ही चला गया. तो फोर्थ ईयर की बात कर लेते. फोर्थ ईयर में क्या हुआ कि फोर्थ ईयर के अपने 365 दिन और 6 घंटे हो गए. पहले साल के 6 घंटे, दूसरे साल के 6 घंटे और तीसरे साल के 6 घंटे और इसी साल के 6 घंटे मिला के हमारे पास 24 घंटे हो गए. तो 24 घंटे होने के कारण मीन्स कि हमारा एक दिन बन गया. तो यहाँ पे फरवरी हमारा 29 डेज का हो जाएगा. फरवरी हमारा 29 डेज का हो गया. तो फोर्थ ईयर जो हमारा होगा वो 366 दिन का बन गया. पहले 365 दिन का आ रहा है. तो जो लीप ईयर होता है 366 दिन का बन जाता है, क्योंकि इसमें एक फरवरी जो होती है वो 29 डे की हो जाती है. वो सारे का सारा जो पिछले वाला होता है ना, 6 और बड़े होते हैं, वो इसमें आके कवर कर लिए जाते हैं. हाँ जी, लुक एट द पोजीशन फोर्थ. अब पोजीशन फोर्थ को देखते हैं. तो पोजीशन फोर्थ, ये हमारी पोजीशन फोर्थ आ गई है, ठीक है. ये वाली पोजीशन जो हमारी फोर्थ पोजीशन आ गई है हमारी, ये वाला हिस्सा. द सन
द साउथ पोल इज टिल्टेड टू आर द सन। देखो अब साउथ पोल है, ये साउथ पोल है ना, ये वाला साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल। अब टिल्टेड मीन्स कि सूरज की तरफ झुका हुआ है ये। अब देखो यहाँ पे आके साउथ पोल सूरज की तरफ झुका हुआ है और नॉर्थ पोल सूरज से दूर चला गया है। द साउथ पोल द साउथर्न हेमिस्फेयर गेट मोर सनलाइट, तो सूरज की रोशनी इस एरिया में ज़्यादा पड़ रही है। इट हैज़ समर, तो इसीलिए इस एरिया में क्या होगा, समर होगी, गर्मी का दिन होगा। ड्यूरिंग दिस टाइम द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, तो इसी समय में क्या होगा कि ये देखिए, इस समय में क्या हो गया कि जो नॉर्थन पोल है ना, ये वाला टिल्टेड मीन्स कि झुका हुआ है, सूरज से दूर झुका हुआ है। साउथर्न पोल सूरज की तरफ झुका हुआ है और नॉर्थन पोल सूरज से दूर झुका हुआ है। ड्यूरिंग दिस टाइम द नॉर्दर्न पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर गेट लेस सनलाइट, तो ये इस हिस्से में सूरज की रोशनी कम पड़ रही है। देयरफॉर इट इज विंटर, तो इसीलिए यहाँ पे सर्दी का मौसम होगा इन दिस हेमिस्फेयर, ये वाले हेमिस्फेयर में सर्दी का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने सीखा कि सर्दी का मौसम कैसे होता है, तब उस टाइम पे जो अर्थ है उसकी स्टेट क्या होती है, किस वजह से गर्मी का मौसम होता है, किस वजह से सर्दी का मौसम होता है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।